स्टैनली अपने ट्रक के साथ म्योलनीर क्यों नहीं उठा पाए? लॉजिकली हम जानते हैं कि अगर थॉर अपने हैमर को एलिवेटर में छोड़ दे तो भी एलिवेटर मूव करता रहेगा, क्योंकि वो एक मशीन है। ये ऐसा नहीं है कि कोई उसे यूज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन थॉर 1 में स्टैनली अपने टर्बो ट्रक के साथ उसे मूव नहीं कर पाते हैं, तो क्या वो ट्रक वर्थी नहीं है क्योंकि वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है? वेल, सीरियसली अगर देखे तो म्योलनीर एक पावरफुल मैजिक ऑब्जेक्ट है जिसमें इतनी कॉन्शियसनेस है कि वो सोच सके कि लोग उसके साथ क्या करना चाहते हैं, और वो डिटेक्ट कर सकता है कि कौन वर्थी है और कौन नहीं। और हैमर यहाँ ये रियलाइज करता है कि स्टैनली उसे हिलाने के साथ साथ लोगों को ये भी दिखाना चाहते हैं कि वो इसे मूव कर सकते हैं और इसे दूर भी ले जा सकते हैं, जिसके लिए म्योलनीर ने मना कर दिया। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए।